कलेक्टर हैं जो हर बार लोगों को जगाते रहते हैं, न सिर्फ जनता को बल्कि ऐसे लोगों को जो बॉलीवुड में हैं लेकिन कहीं ना कहीं हर मामले में पीछे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूं और मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत उत्तरदायित्व से अपने अपना फर्ज निभाते हैं। मैंने अभी बहुत सारे लोगों के फोटोग्राफ्स देखे, अक्षय का देखा जो ऑलरेडी आ चुके हैं, और भी बहुत सारे लोग आते हैं। किसी को सेग्रीगेट करना, उनको डिफेंसिव करना ठीक नहीं है। आज हम सबको ये जो पर्व हम मनाते हैं डेमोक्रेसी का, उसको मनाने का मौका मिला है। और जहां हमारे अधिकार भी हैं वहां हमारे कर्तव्य भी हैं, मगर आज का जो ये तिलक है वो इस तिलक से बड़ा होता है, क्योंकि आज डेमोक्रेसी, आज प्रजातंत्र का महोत्सव है। और आज हमें बाहर आकर अपने घरों से निकलकर वोट करना चाहिए, ताकि आगे 5 साल तक हमें किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह की व्यवस्था चाहिए, उसका हम फायदा उठा सकें। अगर आप आज बाहर नहीं आते हैं और आज अपना वोट नहीं करते हैं, फिर आपको कोई अधिकार नहीं है 5 साल तक किसी भी किस्म की शिकायत करने का, चाहे वो व्यवस्था से हो, चाहे वो पॉलिटिशियन से हो, क्योंकि आपने अपना अधिकार खोया है अगर आपने वोट नहीं किया। सर, आज एक ऐसे चरण का मतदान है जहां आप वोट कर रहे हैं, उस जगह ऐसा है कि आज फाइनल एक मोड़ है जहां से टर्न ले लेगा सरकार की तरफ, लोग ये मान रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये सोचकर वोट नहीं करता हूं कि क्या टर्न हो रहा है क्या है। मुझे लगता है कि मैं इस शख्सियत पर या इस पार्टी पर भरोसा करता हूं। मुझे लगता है कि इस पार्टी ने अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में, और आगे आने वाले 5 सालों में अच्छा काम करने की संभावना है। मैं वो सोचकर वोट करता हूं इंडिविजुअल, बिकॉज ये मेरा इंडिविजुअल अधिकार है। और कहां किस मोड़ पर है वो मैं उसके बारे में मुझे रुचि नहीं है। कश्मीर इस देश की जान है, क्या कश्मीर वोटिंग का मुद्दा रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ, मतलब मैंने बताया ना कि मुद्दे की वजह से तो वोट, मैं तो आज अपना अधिकार को पूरा करने आया हूं, अपने मन में रखूंगा ना सारे, बता दिया सारे मुद्दे क्या हैं, तो फिर क्या फायदा।